सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों आगामी जो ये आपका एग्जाम होने वाला है सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO जिसको आप लोग अभी देख रहे होंगे है ना, तो उसमें हम लोग आज अपडेट पर चर्चा करेंगे क्योंकि 1 से 1.5 महीने या मान लीजिए 2 महीने का भी समय मिलता है तो इन 2 महीनों में इसके बृहद सिलेबस को तैयारी करना और एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आपने हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है देखा होगा, जो कूट वाले प्रश्न हैं, जो कथन कारण वाले प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब जो तैयारी वो आपकी हाई लेवल की होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी पोस्ट हो, और बहुत ही मारा मारी है। 6.5 लाख फॉर्म भरा गया था, 2.5 लाख लोगों ने लगभग एग्जाम दिए हैं दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं मारा पीटा कितना है। तो आपको अभी से तैयार करके रखना होगा, तो उसी में देखेंगे पोस्ट कितना है, सिलेबस कितना है, क्या अभी तक का अपडेट है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आप तैयारी करते रहिए। और सिलेबस वही रहेगा, चेंज होगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि क्या चर्चाएं चल रही है अंदर। तो हम सबसे पहले बात करें पोस्ट, आप देख रहे होंगे 217 पोस्ट। अब ये 217 पोस्ट पर दोस्तों आपसी सहमति बनी है ना, जब चर्चा हुई है अधिकारियों की, तो 217 पोस्ट इसके ADEO के आने वाले हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कंफर्म यही होगा, देखिए नोटिफिकेशन जारी के होने के बाद भी पोस्ट इधर उधर होते हैं, कम ज्यादा किया जा सकता है जितना पद होता है, लेकिन 217 पोस्ट पर इसमें सहमति बनी हुई है। तो 217 पोस्ट या कम या ज्यादा इससे आने की संभावना है, लगभग इसी के आसपास रहेगी। और बात करें इसके बाद सिलेबस की, तो इसमें आप जानते हैं ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है, के विभाग के अंतर्गत नौकरी है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो इसमें 5 ये पाठ्यक्रम देख रहे हैं, इन 5 पर जो है वो पूछा जा रहा था। ठीक है, जा रहा था सिलेबस। पहला था सामान्य ज्ञान, जिसमें विशेषकर छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में क्वेश्चन थे, परंतु इंडियन GS में भी एक पार्ट था। दूसरा था आजीविका संबंधी NRLM संबंधी योजनाओं की जानकारी। तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था, और चौथा है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, और पांचवा है हिंदी। तो इन सभी सेक्शन से 30-30 नंबर के जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे थे, ये 30-30 नंबर के क्या है प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो टोटल जो क्वेश्चन आता था वो 150 नंबर का आता था। कितने का? 150 नंबर का है ना। तो इनमें से जो तो 150 नंबर का आता था, और वृहद हम बात करें, देखिए इसमें हम देखें इसमें 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न सामान्य ज्ञान से है ना। इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो गया। दूसरा बात करें भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक जो स्थिति है उसकी जानकारी। तीसरा है छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय, भौगोलिक पूर्ण भौगोलिक आ जाएगा इसमें। ठीक है, चौथा देखिए इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, और छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो इसी पार्ट में दोस्तों एक पार्ट जो आता था भारत का संविधान, इसमें इंक्लूड था CGGS से। इसके अलावा जो इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ये इंक्लूड नहीं था। तो अभी की क्या स्थिति है, बाकी आप देखेंगे आजीविका संबंधित योजनाएं है ना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, स्व सहायता समूह, ये सारी चीजें, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार आदि आदि, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध। इसके अलावा पंचायती राज के सभी सेक्शन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, और 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं। इसके अलावा ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, जैसे ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य पात्रता, उसमें क्या होनी चाहिए, किसको मिलती है, और संक्षिप्त जानकारी, ये सभी दिया हुआ है। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि आदि। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं में बैंकों की भूमिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य एवं योजनाएं। इसके अलावा 30 नंबर का हिंदी, जिसमें वर्ण से लेकर शब्द विचार, वर्ण में सभी स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग वगैरह, शब्द विचार जो देख रहे हैं, शब्द देशज शब्द, तत्सम शब्द, विदेशज शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, समास, संधि,
जो भी है, पद संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद, मुहावरे, लोकोक्ति और अपठित गद्यांश। तो ये पांच सेक्शन से जो है वो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब क्या किया गया है, अब जो है जो चर्चाएं हो रही है दोस्तों, ये पूरे मार्क्स जो है जहां मामला अटक रहा है वो 100 नंबर का होगा। जो पेपर 150 नंबर का होता था वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक, तो इन सभी पांचों सेक्शन में नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सभी में कम हो जाएंगे। कितना कम होगा, लगभग लगभग सभी को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक, परंतु मामला कहाँ अटक रहा है, तो मामला जो है वो अटक रहा है कि अब जो है वो इंडियन जीएस जोड़ा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इंडियन जीएस जोड़ा जा रहा है। अब इंडियन जीएस में जो इंडियन जियोग्राफी था, इंडियन हिस्ट्री था और क्या क्या जोड़ेंगे वो तो अपडेट जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी होगा, परंतु अब ये जोड़ा जा रहा है। अब ये किस में जोड़ा जा रहा है, अलग से सेक्शन बनाएगा या सामान्य ज्ञान में जोड़ेगा, तो क्या स्थिति होगी, और मान लो अलग से जोड़ा तो क्या उससे। देखिए, अगर इसको जहां तक संभावना है सामान्य ज्ञान में जोड़ेगा और सभी के नंबर जो है वो इक्वली डिवाइड किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब इक्वली डिवाइड किया जाएगा, इसमें कोई भी सेक्शन को नहीं काटा जाएगा। ठीक, अब उनको मिलाकर पूरा 100 नंबर इनको करना है, सभी में थोड़ा थोड़ा कम होगा, परंतु आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सभी सेक्शन इंक्लूड रहेंगे, किसी को खत्म नहीं किया जाएगा, सभी सेक्शन जो है वो क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। तो आपको तैयारी सभी का, इनका तो आपको तैयारी चालू कर ही देनी चाहिए और बहुत अच्छे लेवल में आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन आता है इंडियन जीएस इंक्लूड होता है तो सोचिए, 2 महीने में तो इंडियन जीएस आप कंप्लीट कर नहीं सकते। तो ये क्या, पहले से अगर ये पांच सेक्शन भी आपने तैयार करके रखा है तो उस 2 महीनों में इंडियन जीएस इंक्लूड होता है तो आपकी तैयारी और अच्छा हो जाएगी। तो आपको इन बातों को ध्यान रखकर दोस्तों, ये जितने भी हम लोगों ने देखे हैं इनको तो आप तैयारी करिए ही, क्योंकि ये रहेगा, भले ही इसमें नंबर इक्वली कम डिवाइडेड होगा, परंतु ये सभी सेक्शन जो है वो रहने वाले हैं। ठीक, तो यही जानकारी जो है आपको प्रोवाइड करवानी थी। 217 पोस्ट है और सभी सेक्शन पर आपको जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से करके रखनी है, ताकि जब भी एग्जाम आए आप एग्जाम निकाल लें दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल में भी जो है वो इसकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, 1 या 2 दिन में मैं प्रारंभ कर दूंगा। तो जो भी है, जितना भी है, हो सकता है आपको वीडियो इसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, यही जानकारी आपको देनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।